아싸네! मिल तो गए, अब और कितना मिलोगे? आंख खोल, देखो यही हूँ मैं। तो उधर क्यों देख रहे हो? अब तो मैं यहाँ हूँ। नहीं, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, मैंने नोट किया है। अभी वहां देख रहे, बार बार वहां वहां वहां, यहाँ देखो जी, यहाँ। Hello, sir, and thank you so much for your support, and we're really happy for you and for us as well that you are there for us. Back in 2016, I was full of anxiety, so I was using your videos as escapism from the reality or making my own utopia, like my own world. Right now, when I listen to those videos again, तो उसका कोई अलग मीनिंग है, निकल करके different and more practical now. So kind of like, how should we listen and see your videos the way you want us? कितने चाहते ये हो आज के सेशन का टॉपिक? किसी को समझ ही नहीं आया तो क्या हाथ कैसे ऊपर आएगा? इतनी अंग्रेजी आप बोल गए, अरे भाई, अबे शगुन के एक दो हाथ तो ऊपर करो, नहीं होगा वो टॉपिक, नहीं, इनका मन रखने के लिए करो। कितने चाहते हैं ये आज के सेशन? हाँ ठीक है, नहीं होगा, कोई बात नहीं, प्लीज हैव अ सीट। हाँ, अभी एक फीमेल की बारी, मेल ने बोला, फीमेल की बारी, उधर ही उन्हीं को दे दो माइक पीछे। हाँ यार, आप बहुत हैंडसम हो। ये टॉपिक है, मतलब यही आप इतने यही कर दें आज का सेशन का टॉपिक? अच्छा सुनो तो यार। हाँ हाँ यार, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, मुझे बस ये बता दो। कितने चाहते हैं ये हो आज के सेशन का टॉपिक? अरे यार प्लीज बता दो ना, थोड़ा सा तो बता दो। मेरे ऐसे कई सेशन है ना, आप देखो ना, तो अब एक फीमेल बोला, मेल की बारी, इनको दे दो माइक। सर मेरा टॉपिक ये है कि अगर हम कोई माइंडसेट कर लेते हैं कि हमें कोई काम करना है, ठीक है, उसके बाद उस पूरे माइंडसेट पे हम पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि हमें पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। फॉर एग्जांपल पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, मैंने सोचा कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है, ठीक, मैंने 10 घंटे की जगह 4 घंटे पढ़े और लग रहा है ये कि उसी टाइम पे मैं मोबाइल भी चला रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि देयर इज अ गैप बिटवीन जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं। सोचते हैं हम 10 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटे के हम 100 घंटे भी सोच सकते हैं एक दिन में। यस सर, एक दिन में 100 घंटे। कितने आप में से जो कुछ एक्चुअल में बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में? चाहते हम सब हैं, लेकिन उस बड़े काम को करने के लिए, यानी वो बड़ा करना, मतलब इट्स एज गुड एज इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली, हमारे लिए भी, हमारी फैमिली के लिए भी, हमारे फ्रेंड्स के लिए भी, उन सबको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें खुद को भी लगता है हम नहीं कर पाएंगे, तो एक तरह से इम्पॉसिबल हो गया। उसको पॉसिबल कैसे बनाया जाए? उस बड़े काम को करने के लिए बड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे। Yes, और वो बड़े एक्शंस लेने के लिए बड़ी एनर्जी चाहिए, 1 pointed फोकस चाहिए, वो कहां से आएगी? क्योंकि माइंड तो हमारा 1000 जगह पर चल रहा है, एकदम से एक्साइटेड होते हैं, अगले दिन सारा एक्साइटमेंट खत्म। टेम्पररी होता है सब कुछ, तो उसको सस्टेन कैसे किया जाए? इसको ये भी कह सकते हो कि दूसरी तरह से मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं एक लाइन के अंदर अंदर, हाउ टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। कितने चाहते हैं ये आज के सेशन का टॉपिक? ऑलमोस्ट सब चाहते हैं। चलो जी, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। हाय सर, हाय एवरीवन, मैं इस साल की दिल्ली फाइनलिस्ट थी मिस इंडिया की, और लास्ट ईयर की मैं मिस टैलेंटेड भी थी नॉर्थ जोन की। तो मैंने बहुत ज़्यादा फोकस के साथ काम किया, मतलब इतना कि मेरे को कुछ और दिख ही नहीं रहा था। पर एक टाइम ऐसा आया कि मतलब मेरा फोकस इतना ज़्यादा हो गया था कि जब वो ब्रेक हुआ, जब मैं वहाँ से बाहर आई, तो उसके बाद ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई, क्योंकि फैशन वर्ल्ड है, इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग। तो ऐसा कैसे कि मतलब हम फोकस भी कर रहे हैं और येट वो जब फोकस हट जाए पूरा, तो उसके बाद हम अपने आप को वापस से गेन कर लें। ये दोनों क्वेश्चंस रिलेटेड हैं अगर आप ध्यान से समझोगे तो। इट्स लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक तरफ से हमको 1 pointed फोकस भी करना है, दूसरी तरफ से उसके अपने रेपरकशंस हैं। उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप अपना सब कुछ लगा देते हो एक गोल के ऊपर, मतलब आपने अपना सब कुछ लगा दिया सिर्फ उस गोल को अचीव करने के लिए, और वो गोल भी अचीव नहीं हुआ, तब क्या होता है? क्या हम पूरी तरह से टूट नहीं जाते हैं? तब उल्टे सीधे थॉट्स माइंड में घूमने लग जाते हैं। उस पास्ट को हम रिलीव करना चाहते हैं, प्लस कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। कि अगर वो पॉसिबल किसी वजह से ना भी हो पाए, किसी वजह से ना भी हो पाए, वो बड़ा गोल अचीव ना भी हो पाए,
तब भी हमको कोई फर्क ना पड़े, तब भी हम फटाफट से आगे बढ़ जाएं, तब भी हम वैसे ही रहें जैसे थे, या फिर ये कह लो तब भी हम ग्रो कर जाएं। तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं इस टॉपिक के बारे में, अगर आप में से किसी के पास में इससे रिलेटेड कोई सोल्यूशन है तो अपना हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं। सर मैं अभिषेक सिया सीकर से हूँ राजस्थान। हाँ, तो अभी रिसेंटली मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सर प्लैंक में। प्लैंक मतलब, अच्छा, वो जो प्लैंक करना होता है, वो होल्ड करना होता है अपने आप को। ओके, होल्ड वाले उसमें क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कितनी देर तक किया आपने? उसमें 8 घंटे 10 मिनट कंटिन्यू बिना कोई ब्रेक के। अरे वाह यार, 8 घंटे 10 मिनट तक आपने प्लैंक किया। जी सर। उस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा था? सर एक बार मेरे दोस्त से चैलेंज लगा, सिर्फ दोस्त ने कहा, मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, पुराना रिकॉर्ड है इसका चाइना का 8 घंटे 1 मिनट का, तो वो मैं देख रहा था, देख के मैंने दोस्त को बताया, तो दोस्त ने कहा मत देख, तेरे बस की बात नहीं है। वो बात मेरे लगी दिल को, और मैं यार मैं संदीप महेश की वीडियो देखता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुन रहे हो निकम्मो? कहते हो कि सुनते हैं सर, देखते हैं सर, वो कुछ होता नहीं है सर। जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। Let's get big hand for him, please. ये हमको समझ आया है माइंडसेट का खेल। तो अब सवाल उठता है ऐसा माइंडसेट कैसे बनाए। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम इन माय लाइफ, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था इमेजेस बाजार को शुरू करने का इन 2005। तो जब ये डिसीजन लिया 2005 में कि ऐसा कुछ हम करने वाले हैं, तो इट वॉज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब वो पॉसिबल कैसे हुआ? एक गाना है लक्ष्य मूवी का, लक्ष्य को हर हाल में पाना है, तो उस गाने को मैंने रिपीट मोड पे लगा दिया था। जैसे यहां से साउथ दिल्ली जाता था गाड़ी में, तो नॉनस्टॉप वो गाना चलता रहता था। माय गोल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वाज नेवर द मनी, दैट वाज नॉट गिविंग मी द किक। किक वाज कि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, कुछ कमाल का क्रिएट हो रहा है जो आज से पहले इस दुनिया में क्रिएट नहीं हुआ है। आई एम श्योर जब आपने भी ये बनाया तो कुछ ऐसे ही माइंडसेट होगा, है ना? ये माइंडसेट बड़ा कमाल का है। अगर हम पहले अपना सही माइंडसेट ना क्रिएट करें, उस जोन में ना जाएं और फिर एक काम को करें, तो उसका आप ड्रॉबैक देख पा रहे हो क्या होता है उस केस में? 99% लोग ऐसे ही काम करते हैं, माइंडसेट पे काम नहीं करते हैं। अचीव बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक हो गया गोल, एक हो गया एक्शन। ये तो पूरी दुनिया की कहानी है। माइंडसेट कहाँ है यहां पर? क्या आपका अनशेकेबल माइंडसेट क्रिएट होता है पहले? पहले वो होना चाहिए, बाद में एक्शन लेना चाहिए ना। What needs to be done is कि mind needs to be filled up with the kind of information जो आप काम करने वाले हो उससे related। जितनी information भरती चली जाएगी उसी से related thoughts आने लग जाएंगे। इसको आप कह सकते हो अब आप उस zone में जा चुके हो। होता क्या है, अभी आपका जो mind है वो एक तरह की information से भरा हुआ है। Can your mind think without information? नहीं सोच सकते। किसी को देखते हो thought आता है, for example अपनी माँ को देख रहे हो thought आ रहा है, वो भी information के बेस पे चल रहा है। अगर आपको नहीं पता कि वो आपकी माँ है तो कोई थॉट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई डीमोटिवेशन नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं, ये सब किसके बेस पे है? इन्फॉर्मेशन। अभी किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके अंदर भरी हुई है? गोल से रिलेटेड है। ये कह लो अगर इतनी इन्फॉर्मेशन है तो इसमें से कितनी ऐसी है जो आपके गोल से रिलेटेड है और कितनी ऐसी है जो कचरा है? 10% इन्होंने 90 बोला, आपने 99 बोला, लेकिन अगर एक्चुअल में झांक के देखोगे तो 99 से भी ज्यादा कचरा है। सच है झूठ है? अगर मान लो 99% इंफॉर्मेशन हो गोल से रिलेटेड, तो आप चाहे चाहो ना चाहो कैसे थॉट्स आएंगे? या ये कह लो 99% थॉट्स किससे रिलेटेड आएंगे? गोल से। सिंपल इक्वेशन है जी। हम मैथमेटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश, मतलब साइंटिफिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, नॉट थियोरेटिकली, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो। जैसी इंफॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड थॉट्स आते हैं, जैसे थॉट्स आते हैं वैसी ही इंफॉर्मेशन की तरफ आपका माइंड भागता है। ऐसे नहीं होता है। अनजान से रिलेटेड थॉट्स कहां है? ब्रेकअप अनजान से होता है या जान पहचान वाले किसी से होता है? अनजान से ब्रेकअप करो, करो अपने साथ वाले से ब्रेकअप। क्या बहन जी क्या कहा आपने? ध्यान से समझना, अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं ऑटो पायलट मोड की। एक है आप एफर्ट लगा करके किसी गोल को अचीव कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूं एफर्टलेस, जैसे चाइना में होता है, आपने अगर सुना हो तो।
चाइना ओलंपिक में आपको पता है कितने गोल्ड मेडल जीतता है? टॉप थ्री टॉप फाइव में हमेशा मिलेगा आपको. क्यों ऐसा क्या होता है? किस एज में उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है? 4, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years. तो क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से समझोगे तो, क्यों बच्चे चाहे ना चाहे उनके अंदर उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन फीड कर दी गई है, उसी से रिलेटेड थॉट्स आएंगे. जितने थॉट्स आएंगे वो और ज्यादा उसकी तरफ जाएंगे, जितना और जाएंगे और इन्फॉर्मेशन आ गई और थॉट्स आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे उनकी फीलिंग्स इमोशन सब कुछ उसमें घूमने लग जाएगा. अब वो एक जोन में है, 24 घंटे उनके माइंड में और कुछ आता ही नहीं है, तभी तो इतने बड़े लेवल पे जा पा रहे हैं. पूरी दुनिया में से सोचो सबको पीछे छोड़ करके गोल्ड मेडल जीतना हलवा है क्या? इम्पॉसिबल ही तो है. तो इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसे होता है, उसकी बात हो रही है आज. आप ये कह सकते हो 99.99% उनका माइंड जो वो खेल रहे हैं उससे रिलेटेड भर दिया जाता है, और जितना उससे भरा होता है उनको और किसी में मजा ही नहीं आता. एक पॉइंट के बाद में जाकर के वो ही उनको चाहिए, तो माइंड वहीं घूमता रहता है और कुछ है ही नहीं माइंड में. जिस वक्त वो खेल रहे हैं और कोई थॉट ही नहीं आ रहा है माइंड में, समझ गए ना? तो ये तरीका होता है उसको अचीव करने का. अभी जो मैंने अपना एग्जांपल दिया, अब उससे रिलेट कर पा रहे हो इसको? कि उस गाने को सुनने से क्या हुआ, बार 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 दिन में मान लो कम से कम 50 बार उस गाने को सुन रहा हूं, तो माइंड एक जोन में चला गया. लक्ष्य को हर हाल में पाना है. लक्ष्य क्या है? टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ दिस. मेरा अपना क्यों बताऊं आप लोगों को? तो आई एम टॉकिंग अबाउट अगर इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करना हो तो कैसे किया जाए. और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ. मेरे को मजा आता है अपनी बॉडी की माइंड की सारी लिमिट्स को पुश करने में, देखने में कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है. तो मैंने आज से 5-6 साल पहले एक चीज़ सोची थी. थॉट आया, जैसे थॉट आता है ना, इंस्पिरेशन आई कि आई वॉन्ट टू डू अ वाटर फास्ट. वाटर फास्ट मतलब कि अगले 10 दिन तक सिर्फ पानी पीऊंगा और कुछ भी नहीं. अभी थॉट तो आ गया, कैसे करोगे? लगाओ दिमाग. इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. उसको पॉसिबल कैसे बनाया? आई स्टार्टेड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. उसके बारे में बुक्स पढ़ी, समझने की कोशिश किया क्या होता है, कैसे होता है. अच्छा इतने घंटे के बाद में बॉडी कीटोसिस में चली जाती है, उसके भूख लगनी बंद हो जाती है, ये होता है वो होता है. पढ़ता गया. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो माइंड था वो इट फिल्ड अप विद द इन्फॉर्मेशन कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसकी वजह से क्या होने वाला है. और कोई थॉट आ ही नहीं रहा था, तो जो भूख का थॉट था वो आना बंद हो गया. जब पहली बार मैंने किया था तब थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी 2-3 दिन तक, बट आई वॉज एंजॉइंग इट थरली, क्योंकि माइंड जाता था. जैसे घर पे बैठा हूँ डाइनिंग टेबल पे, सब लोग खा रहे हैं, दिख रहा है, तो कुछ होता था. अभी कंडीशन ये है, बिकॉज आई हैव डन इट अ लॉट मेनी टाइम्स, हर साल में एक बार करता हूँ. अब अगर मैंने सोच लिया, जैसे अभी यहाँ पर आप लोगों के साथ में, अगर मैंने सोच लिया कि आई एम ऑन अ वाटर फास्ट, तो भूख लगनी बंद. 7 दिन तक अपना आराम से ऑफिस जाऊंगा आऊंगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा क्या हो रहा है. तो माइंड के एक एस्पेक्ट को कॉन्कर किया है. तो कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में पढ़ रहा था और कुछ भी नहीं, सिर्फ उससे रिलेटेड बुक्स. इधर से वाटर फास्टिंग चल रही है, उसके बारे में पढ़ता चला जा रहा. अगर मैं ये नहीं करता तो क्या होता? अब भूख लगती, वाट लग जाती, देखता कुछ भी खाने का, मुंह में पानी आता, खेल खत्म. वो थॉट ही नहीं आया, द मेंटल स्टेट वॉज चेंज्ड, माइंडसेट बदल चुका था. आई वॉज इन अ डिफरेंट जोन ऑल टूगेदर. तो आई डेलिबरेटली क्रिएटेड दैट मेंटल स्टेट फॉर माई सेल्फ कि अगर मैं इफ आई गो इन वाटर फास्टिंग, तो मेरा जो गोल होता है वो ये नहीं होता कि उसकी वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा. होता है बट वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी नहीं होता है. प्राइमरी क्या होता है कि उस 7 दिन में या 10 दिन में क्या होने वाला है, दैट गिव्स मी द किक. और जब इस तरह से हम काम करते हैं तो आउटकम तो अपने आप ही आ जाता है. चलिए जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू.